भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता नलिन कोहली ने कहा कि भाजपा दोबारा से सत्ता में आई और बहुत से कार्य किए गए जिनकी जरूरत थी। उन्होंने कहा कि दूसरे कार्यकाल में बहुत से कार्य किए गए जिसमें धारा 376 का हटना, 3 तलाक का हटना, अब किसानों के लिए आत्मनिर्भर भारत की बात की जा रही है। उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर भी सरकार कार्य कर रही है, इसके अलावा अर्थव्यवस्था को मजबूत करना, ये तमाम कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने विपक्ष द्वारा उठाए गए भाजपा की वर्चुअल रैलियों को लेकर कहा कि लोकतंत्र में सबको अधिकार है अपनी बात करने का, लेकिन विपक्ष को आलोचना के अलावा कोई कार्य नहीं है। उन्होंने कहा कि विपक्ष का कार्य सवाल पूछना है और भाजपा की सरकार के तमाम लोग काम करते रहेंगे, जनता के पास जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि सेवा भाव से जनता के पास जाते रहेंगे। उन्होंने कहा कि आलोचना से कार्य रोकना है तो ये कैसी सेवा है। वहीं प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग के घोटाले को लेकर कहा कि इस मामले को लेकर जांच चल रही है। वहीं उन्होंने कहा कि नैतिक आधार पर अध्यक्ष ने इस्तीफा दिया है। उन्होंने कहा कि भाजपा कभी बर्दाश्त नहीं करेगी भ्रष्टाचार को। कांग्रेस द्वारा उठाए गए सवाल कि सरकार रिमोट कंट्रोल से चल रही है, इस पर उन्होंने कहा कि रिमोट कंट्रोल से चल रही है ये सबको पता है, लेकिन उन्हें अपना फॉर्मेट समझ आता है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपने आरोप लगा रही है, लेकिन जनता को सब पता है। संविधान और लोकतंत्र सबको अधिकार देता है कि वो अपनी बात करे, लेकिन विपक्ष को भी थोड़ा आत्मचिंतन करना चाहिए कि आलोचना के सिवा और कोई कार्य दिखता नहीं है करने के लिए। और दूसरी बात, उन खासकर कुछ ऐसी राजनीतिक दल हैं अपने प्रश्न पूछने की इच्छा में सुरक्षा को भी लेके, सेना को भी लेके, देश हित को भी लेके कुछ भी प्रश्न पूछते रहते हैं। मुझे लगता है ये सारी बातें जनता के सामने होती है, उनके प्रश्न पूछना उनका जहां अधिकार है, वैसे ही भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और मोदी जी की सरकार और उसमें जितने लोग काम कर रहे हैं वो निरंतर काम करते रहेंगे, निरंतर सेवा भाव से जनता के पास जाते रहेंगे, देश को मजबूत करने के लिए, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए, गरीबों की चिंता करने के लिए, किसानों की चिंता करने के लिए, हर वर्ग की चिंता करने के लिए, मध्यम वर्ग हो, MSME हो, सबके लिए कार्य करते रहेंगे। क्योंकि यदि आलोचना से कार्य रोकना है तो ये कैसी सेवा होगी। सरकार जो निर्णय ले रही है, जांच करा रही है, जो लोग नैतिक आधार पे, जहां पर नाम आ रहा था उन्होंने अपना इस्तीफा दे दिया, लेकिन विपक्ष जो प्रश्न पूछ रही है उनसे भी तो पूछना पड़ेगा कि कौन से नैतिक आधार के आधार पे वो प्रश्न पूछ रहे हैं। अगर हम सिर्फ 2004 से 14 के कार्यकाल केंद्र में देख लें तो कई इमारतें खड़ी हो गई थी भ्रष्टाचार के आधार पे। भाजपा जो है कभी भी बर्दाश्त नहीं करेगी कि भ्रष्टाचार, और जितने लोग भगोड़े बने जो उस कार्यकाल में, कांग्रेस के कार्यकाल में पैसा लेके गए, उनको लाने का काम, लड़ाई लगातार जो है सरकार लड़ रही। तो इस मंशा से केंद्र सरकार मोदी जी की और जहां जहां हमारी राज्य सरकार है इसी मंशा से काम कर रही है, करती जाएंगी। विपक्ष के प्रश्न के अंदर में ही उनके प्रश्न का उसका उनके प्रश्न का आधारहीन होना ही लिखा हुआ था। खुद कह रहे हैं हमें पता नहीं रिमोट कंट्रोल नहीं है, तो आरोप क्या लगा रहे हैं। क्या है कि कांग्रेस पार्टी में सबको पता है रिमोट कंट्रोल कहाँ है, वो रिमोट कंट्रोल से चलने वाली एक पार्टी है, उनका अधिकार है। परिवारवाद पे अगर पार्टी चलानी है उनका अधिकार है, भाजपा थोड़ी ना तय करेगी कि उनको अपनी पार्टी कैसे चलानी चाहिए। लेकिन अगर वहाँ रिमोट कंट्रोल से चल रही है तो उसका ये अर्थ नहीं कि पूरी दुनिया ही रिमोट कंट्रोल से चल रही है। तो वो प्रश्न पूछ रहे हैं क्योंकि उनको अपना मॉडल समझ आता है। बाकी यहाँ जो है रिमोट कंट्रोल से नहीं, यहाँ विचारधारा के आधार पे, सेवा भाव के आधार पे सरकारें चलती हैं, चाहे केंद्र की सरकार में जहाँ प्रधानमंत्री मोदी जी अपने आप को प्रधान सेवक के रूप में देखते हुए काम करते हैं, वैसे ही राज्यों में। और हिमाचल की बात करें तो यहाँ के मुख्यमंत्री ठाकुर जी, जयराम ठाकुर जी, सेवा भाव से लोगों के काम में लगे हुए हैं। बाकी कांग्रेस को अगर आरोप लगाना, वो अपनी जगह है, जनता सब देखती है।